अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और मैंने बनाई है फ्रूट चाट, जिसमें कि आज रोज़ा है सबका, अल्लाह पाक कबूल करे। और ये इफ्तारी के लिए और जनाब, छोटे छोटे बच्चों ने भी रोज़ा रखा है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा। और कितना प्यारा मौसम, सुबह से हवा चल रही है। छोड़ता नहीं है डाला। दही बड़े बनाए थे और फ्रूट चाट। आज महसूस हो रहा था जैसे बस रमज़ान फौरन आ गया है, 3 को इंशाल्लाह रोज़ा होगा और बहुत अच्छा इंशाल्लाह रमज़ान गुजरेगा, मालूम भी नहीं होगा। बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, बस मैं बना रही थी आलू बैंगन और मसाला भुन गया मेरा। सेम उसी तरह ज़ीरे में मैं भगा रही हूँ। उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर 3, ये मैंने डाल के और मसाला भून लिया है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ ये आलू बैंगन। ये गए और ये अब दम में हो जाएंगे। मैंने बनाई थी सुबह कचनार गोश्त, जिसमें मेरे मियाँ साहब कहने लगे नहीं अभी आलू बैंगन बनाओ और साथ बॉयल चावल। मैंने कहा चलें ये सही है, सुबह गर्मी हो गई तो सुबह दिन में ये होता है कि अगर रोटी खा ली है तो शाम में चावल हो, ये दम में हो जाएंगे। मैं इसमें पानी भी नहीं डाल रही हूँ, ये मैंने कवर कर दिया और इस साइड पर मैंने रखा है पानी चावलों का बॉईल करने के लिए, जिसमें ये चावल जलेगा। 1 गिलास चावल मैंने डाल दिए और अभी इसमें भी उबाल आ जाएगा। ये इसमें जा रहा है 1 गिलास में 1 चम्मच नमक, ये गया। इसमें उबाल आता है, फिर इसे देखते हैं जी। आलू बैंगन तैयार हो गए, अब इस पर मैं डालती हूँ सब्ज़ धनिया। ये तैयार हो गया, इस साइड पे मैंने चावल दम पर रख दिए, खाना मेरा रेडी हो गया। चावल बॉईल हो गए, मैंने पानी इसका ड्रेन कर दिया हुआ है और ऊपर से मैं ऑयल डाल रही हूँ और फिर इसको करती हूँ दम पर, जब तक मेरे इस साइड पर आलू बैंगन हो रहे हैं और ये चावल दम पर आ जाएंगे मेरे, जब तक इंशाल्लाह फिर खाना खाते हैं। अब मैं इसमें से कपड़े निकाल दूँ, मशीन में से कपड़े धुल चुके हैं और एंड करते हैं वीडियो का। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।